पीछे उसके बारे में बता दूँ तो नेविगेशन जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपको यूट्यूब का रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। यूट्यूब तेरे से कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ना भाई। यहाँ की बात कर रहा है ये इधर की, और SUV की फीलिंग आती है ना। कितना एवरेज देती है गाड़ी भाई? एवरेज 26 से 7 में देती है। तो सीट कवर्स आपने देख लें, तो जिनकी गाड़ी में एक बारी मुझसे मिला हूँ, तो ये हमारे मन्नू भाई, भाई एक बारी जो है इधर हेलो बोल दो। हेलो भाई। तो मन्नू भाई, आपने जो है गाड़ी लेने का सोचा वैगनार, कोई रीज़न इसको पीछे लेने का? सर इसमें मतलब स्पेस बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, और इसमें की मतलब एवरेज बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी जो है भाई के पास वैगनार ही थी। भाई वो कौन सी वैगनार थी? वो 2008 मॉडल थी, और हाँ उसमें मतलब कि उसका एवरेज ही अच्छा था। तो वो भी CNG में ही थी, और बेसिकली ये भी जो है आपने CNG में ही लिया है। तो एक बार जो डिटेल्स में पूरा बात करते हैं, गाड़ी के फीचर्स वगैरह क्या चीज़ भाई ने जो एडिशनल आफ्टर मार्केट इसमें लगवाया है, तो भाई बैठा हुई बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर चल के बाकी की बातचीत करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, बिल्कुल गाड़ी भाई ने जो है इग्निशन ऑन कर दिया है। अभी फिलहाल जो हम गाड़ी को ड्राइव करके नहीं देखने वाले, क्योंकि भाई के घर पे हैं, हमें सारी चीज़ें बताया गाड़ी के बारे में। तो स्टेयरिंग आप देख रहे हो, सिंपल एज सॉबर जो है पूरा स्टेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा जो है लेदर रैप करवाया मेरे ख्याल से, और वहाँ पे आप जो इसका MID देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। इसमें मेरे ख्याल से RPM की वो नहीं है, RPM नहीं मिलता इसमें। अच्छा, RPM जो इसमें नहीं दिख पाएगा, इसमें जो आपको नॉर्मल ओडोमीटर देखेगा, और बैटरी और हैंड ब्रेक की लाइट वगैरह आपको वहाँ पे दिख रही है। कंपनी से क्या क्या चीज़ आपको मिली थी यहाँ पर? इसमें कुछ नहीं मिलता है ना, कंपनी से जो पूरी रॉ गाड़ी मिलती है एज इट इज, कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, वो जो डोर्स पर जो पावर विंडोज़ देख पा रहा हूँ मैं, कंपनी से मिलती है। अच्छा, फ्रंट में दो पावर विंडोज़ है, पीछे देखूँ मतलब मैनुअल है कि वो है? पीछे मैनुअल है, मैनुअल मिलता है पीछे, मैनुअल मिलता है। एक चीज़ मैंने देखी, कंपनी वाले जो कहते हैं कि आप बेस मॉडल लो, उसमें जो है एडिशनल सामान लगाओ, अपर मॉडल मत लो। हाँ जी भैया। तो कुछ ऐसा सीन तो नहीं इसमें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसमें मतलब सब चीज़ पीछे मैनुअल मिलते हैं और आगे पावर विंडो मिलती है। ठीक है, और अब जो साइड वो उसका इंडिकेटर और लाइटिंग का फंक्शन हो गया। अब जो सबसे जो आई कैची लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है मुझे सबसे बड़ी बात, इसका जो आपने एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाया, तो भाई स्टीरियो की बात करें तो 2GB रैम के साथ आपका ये स्टीरियो भाई ने आफ्टर मार्केट लगाया है। तो इसकी प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो आपको कॉस्ट कितना पड़ा? 7,000 के आसपास बताया था शायद आपने जी भाई, 7,000 का पड़ा है। और इसमें क्या है कि इसमें आप अपना कॉल भी रिकॉर्ड, मतलब कॉल भी बात भी कर सकते हो आप। इसलिए देखो यहाँ पर माइक है, आप अपनी कॉल यहीं से पिक कर सकते हो। अच्छा, इसका ये माइक ये भी बिल्कुल इसी के साथ आया था कि एडिशनल लगवाया जी भाई? ये इसी के साथ मिलता है माइक, इसके साथ आता है। तो इसका मेन जो पर्पस क्या होता है भाई? इसका पर्पस ये था कि आपको अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको कभी कॉल आती है तो आप यहीं से ओके करके आप यहीं से बात कर सकते हो, आपको अच्छा। फोन उठाने की जरूरत नहीं है। मैं कि आपको फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, मैं फीचर्स के बारे में बता दूँ। तो नेविगेशन जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपका रेडियो जो आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ की बात करें तो आप अपना जो है यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं इजिली जो भी आपको करना हो। और अगर ऐप्स की बात करें, एप्लीकेशन में देखो भाई ने यूट्यूब स्टूडियो रखा हुआ अपना, भाई भी जो है वीडियोज़ डालते हैं यूट्यूब पे, अगर भाई का चैनल देखना तो देख लेना भाई। कितनी वीडियोस डाली अभी तक भाई? मैंने अब तक मेरी भाई वीडियोस हो चुकी हैं, 3 वीडियोस डाल चुका हूं। चलो कोई बात नहीं, भाई भी वर्क कर रहा है इस पे, ठीक है उससे भी हम बात करेंगे आगे। तो पूरा जो है नेट वगैरह सर कनेक्ट हो जाता है इसमें, यूट्यूब आप चला सकते हो पूरा, और जो है गूगल क्रोम, गैलरीज, फोटोज, मतलब पूरा एक तरीके से आपका फ़ोन ही हो जाता है। अब बात करते हैं इसका म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक में भी देखिए आप यहाँ पर चल रहा है पूरा, तो कॉपीराइट आ जाएगा जो हम इस म्यूज़िक को अभी प्ले नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो हम बैक कर लेते हैं, अगर सेटिंग की बात करें तो इसमें जो बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अब आप जो पूरा इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो अब चलिए एक बारी मैं आपको पूरा इसका रिस्पांस दिखाने जाता हूँ। तो भाई एक बार इसमें NCS का सॉन्ग बजा दूँ, तो वहाँ से जो है बीप कर रहा था बहुत देर से, क्योंकि हमने गेट बंद नहीं करा था। अब जो है बेसिकली हमने गेट बंद कर लिया, अब गाड़ी बीप करनी बंद कर रही है। एक चीज़ मन में उसमें फील कर रहा हूँ, जैसे देखो भाई हम हिल रहे हैं तो गाड़ी पूरी हिल रही है। हाँ जी भाई। ये क्या रीज़न है भाई इसका? भाई ये मतलब कि एक कार जो होती है मतलब थोड़ी हल्की होती है ना, अच्छा, तो इसकी वजह से कार के अंदर बैठने से हिलती है थोड़ी। अब जैसे मैं केवल एडजस्ट ही हो रहा हूँ ऐसे करके, पूरी गाड़ी हिल रही है, ऐसे शेक कर रही है। हाँ जी भाई। तो चलो मारुति की खैर इसी गाड़ी में नहीं सभी में होता है मेरे ख्याल से, और ऊपर से वैगनार है तो थोड़ी बहुत उसमें है। अभी फिलहाल जो हम स्टीरियो की बात कर रहे हैं भाई, एक बार इस चीज़ में बता दूं, पाइनियर का जो बेसिकली आपका सिस्टम रहने वाला है, और इसी के साथ भाई ने जो एडिशनल जो इसी के साथ लगवाया है, म्यूज़िक का जो शौक थोड़ा बहुत रखता है मन्नू हमारा, और 4 कंपोनेंट्स जो है चारों दरवाजों में लगाए हैं। हाँ जी भाई। को भाई गानों का इतना ज़्यादा शौकीन होगा कि आपने कंपोनेंट्स स्पीकर्स लगवा दिए, लेकिन जी भाई जी। पीछे कोई वूफर या बेस ट्यूब नहीं लगवाए? नो भाई, बेस ट्यूब नहीं है इसके अंदर, ओनली स्पीकर्स है। अच्छा, चारों दरवाजे पर जो स्पीकर लगाए हैं। तो अब जो एक बारी हम स्पीकर का जो आउटपुट सुनने वाले हैं, तो भाई एक बारी NCS का सॉन्ग चलाओ। Hold me close till I get up.
बर्थडे मन तो मनु सॉन्ग का जो है हमने आउटपुट सुन लिया काफी अच्छा जो मुझे स्पीकर पे रिस्पांस लगा। एक बार कॉस्टिंग बताओगे जो स्पीकर के जो कितने पैसा लगा इसपे? भाई इस पे ये हमें पड़ा है सिस्टम पड़ा है 7000 का, वो तो स्टीरियो हो गया। हाँ जी भाई। और स्पीकर की बात करें तो सर स्पीकर की बात करें सर स्पीकर इसके 2 का पेयर 2500 का पड़ा है, यानी 4 पड़ गए 5000 रुपए के। ठीक है ठीक है। अब एक बार उसका रिस्पॉन्स अगर मैं तेरे से पूछूं पर्सनली तो भाई कैसा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका और बेस ही बहुत अच्छा है स्पीकर में और साउंड ही काफी क्लियर साउंड है इसका। आसानी से जो आपको कनेक्ट हो गया है वाईफाई पाल के नाम से जो भाई का वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब एक बार जो इसमें यूट्यूब का रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। यूट्यूब पर हम क्लिक करते हैं और जो है नेट की स्पीड बहुत स्लो आ रही है यहाँ पे, तो कुछ भी सॉन्ग जो है बजा सकते हैं आप, चला सकते हो। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही है इस वाले स्टूडियो में आपका, तो आप जो है पूरा इजीली से अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम भी इजीली चल जाता है। मैप की बात करें तो नेविगेशन जैसे मैंने बताया इसमें आपका पूरा अच्छे से वर्क करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है। यही में हमें कंपनी से फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका पार्किंग लाइट्स हो गया, 2 एसी वेंट सेंटर में आपको मिल जाते हैं, 1 एसी वेंट्स यहाँ पर और 1 एसी वेंट्स वहाँ पर साइड में, जो कि आपका एडजस्टिव करने का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। और डैशबोर्ड का आप साइज़ देख रहे हो काफ़ी अच्छा खासा है। बोनेट की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हालांकि ज़्यादा बड़ा इसका बोनेट है नहीं तो ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होती है ना भाई? नो भाई बहुत बढ़िया ड्राइविंग है। ठीक है। तो नीचे की साइड बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर ब्लोअर्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर कूलिंग का आपको मोडिंग मिल जाएगी। उसके अंदर आगे गियर आपका मैनुअल में गाड़ी रहने वाली है। तो ये वैगनर आपकी मैनुअल में ही आती है ना? हाँ जी भाई ऑटोमेटिक में भी आती है वैसे। बॉस की बात करें तो सेटिस्फाइंग स्पेस भी छोटा मोटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा देखो यार लगेज वगैरह रख सकते हैं अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो। हाँ जी भाई। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको कॉइन्स वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा। ये गाड़ी का हो गया हैंड ब्रेक। और पीछे की स्पेस की बात करें, मैंने आपको पीछे की सीट्स दिखाई दी, तो यार सीट कवर में बताऊं तो भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो सीट कवर्स में कितना खर्चा लगा तेरा? 4000 खर्चा है विद बकेट। अच्छा बकेट सीट्स हैं। हाँ जी भाई। ठीक है। और अगर कंपनी से लगवाता तो कितने का पड़ता? कंपनी से भाई 6500 का पड़ता है और यहाँ पर आप बाहर से लगवाते तो आपको 4000 के लग सकते हैं। तो ये देख रहे हो भाई कंपनी वाला, जाहिर सी बात है कंपनी से लगाओगे तो ज़्यादा रेट मिलेंगे। आफ्टर मार्केट लगाने का यही रीज़न था इन्होंने जो स्टीरियो भी आफ्टर मार्केट लगवाया। कंपनी से लगवाते तो 2-3 हज़ार ज़्यादा पड़ता है ना। तो आप जो है सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हो तो सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या इस चीज़ गाड़ी में मिलता है आपको? भाई सेफ्टी फीचर्स में आपको इसमें ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है। अच्छा एक ही साइड मिलेगा, पैसेंजर साइड नहीं मिलेगा? नो भाई एक साइड मिलता है इसमें, ड्राइवर साइड एयरबैग आता है इसमें। आपको जो ABS और EBD भी मिल जाता है मैक्सिमम कार्स में जो आता है सीट बेल्ट वाला। जैसे आप जो है 20+ जो आपकी गाड़ी जाएगी तो सीट बेल्ट का अलार्म आने लग जाएगा। ठीक है। अगर स्पेसिंग की बात करें तो देखो अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको मिलता है, आगे पीछे डिग्गी और फ्रंट में भी हर जगह जो है स्पेस अच्छा मिल रहा है। मनु तो भाई तेरी गाड़ी है तो भाई एक बात बता, जब तो कहीं जाते हो बाहर ट्रिप वगैरह पर तो स्पेसिंग में कोई प्रॉब्लम रहती है इसमें? नो भाई स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें है ना। और एक तरीके से इसकी डिजाइनिंग भी ऐसी है, देखो उसकी छत भी आप देखोगे ना थोड़ी ऊपर से ऐसे करके बनी हुई है। पहले ली वैगनर जो थी थोड़ी नीचे थी है ना? हाँ जी भाई। इसकी हाइट भी जो है पहले ली वैगनर से थोड़ी ऊंची है, थोड़ी ऊंची करके दी है इस बार। और कोई जिसमें पहले वाली वैगनर से तेरे को कोई फर्क देखने को मिला हो? हाँ जी भाई इसमें फर्क ये होता है कि इसमें जो बैक डिग्गी वाला शीशा होता है वो कम कर दिया गया है। और इसमें डिग्गी वाला शीशा मतलब कैसे? मतलब कि आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर शीशा होता है, पुरानी वैगनर में यहाँ पर शीशा था बीच में। अच्छा एक मिनट भाई यहाँ की बात कर रहा है ये इधर की, अब नहीं है इसमें। अच्छा तो शीशा जो हटवा दिया? हाँ जी इसमें सिर्फ ऐसी बॉडी आती है। तो इसका कोई फायदा थोड़ी था शीशे का? नहीं इसका कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत दिखने के लिए थोड़ा वो कंफर्टेबल लगता है देखने के लिए। ठीक है ये है कि लुक करवा सकते हो काला करवा के। तो भाई फाइनल रिव्यू आप क्या देना चाहोगे हमारे आने वाले जो कस्टमर जो वैगनर के बनने वाले हैं, क्या एक रिव्यू देना चाहोगे आप? भाई सबसे बढ़िया इसमें क्या है, आपको मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी कार है, कम रेंज में भी है और इसमें मतलब कि एवरेज काफ़ी अच्छा है इसका है ना। और एक तो एवरेज काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक बात बता, एवरेज तुम्हारी CNG कितने सिलेंडर कितने किलो की सिलेंडर है? इसमें 10 किलो का सिलेंडर मिलता है। 10 किलो का सिलेंडर मिलता है। फुल कितने में जाती है? फुल हो जाती है 350। और कितने किलोमीटर चलती है फुल में? 250।
मतलब भाई 300-350 में CNG फुल कराओ और 250 किलोमीटर चलाओ भाई। तो यार इससे बढ़िया गाड़ी मेरे को नहीं लगती कोई होने वाली होगा। और एक चीज़ बता दूं, जो भाई का जो टूर एंड ट्रैवल से काम है, अगर कोई मेरे लोकल से भाई देख रहा हो साहेबाद से, मन्नू का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जो है डायरेक्ट उससे कॉल कर लेना। कहीं की बुकिंग ऑल ओवर इंडिया की है ना भाई? ऑल कार मिलेंगी आपको यहाँ पर, ऑल कार्स मिलेंगी और आप जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर जो मेरे साहेबाद से, जो दिल्ली एनसीआर से भाई देख रहा है, तो जो है जरूर उसको कॉल कर लेने वाली। से भी कॉल कर सकते हैं, मेरठ, दिल्ली, उत्तराखंड, कहीं से भी आपको पिक कर सकते हैं, ड्रॉप पिक कहीं का भी हो। अच्छा ठीक है। तो खा रहा था कि देखो सीट कवर लगाने के बाद जो है हमारे भाई ने, जो है मन्नू ने, ये साइड में ये एडिशनल में जो है लगाया हुआ है, तो भाई इसका कोई लगाने का रीज़न? भाई इसका रीज़न होता है कि जैसे आप कार कभी लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें बेनिफिट है कि आपको कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द नहीं होगा आपके अंदर। अच्छा, एक तरीके से कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी के लिए भी है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है ना। जो है 24 आवर्स जो गाड़ी चलाते हैं उन, वही लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, बेनिफिट है इससे। ठीक है, तो एक बार जो इसका सीटिंग कम्फर्ट बताओगे, जरा बैठ के बैठो के अंदर आओ एक बार। भाई बहुत कंफर्टेबल है और आप मतलब कभी लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, तो भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें, एक तरीके से कहते हैं बहुत यूज़फुल चीज़ें जो भाई ने अपनी गाड़ी में लगाई हुई, और एक तरीके से अपने टेस्ट की तरह, अपने टेस्ट के हिसाब से जो है मॉडिफिकेशन छोटी मोटी करी है। ये नहीं कि जो दूसरे लोगों को देख के जो है भाई ने मॉडिफिकेशन करी है, जो उसके अपने यूज़ के लिए अपने हिसाब से जो भाई ने जो चीज़ ज़रूरी थी वही चीज़ें जो है तूने यहाँ पर लगाई है ना। तो कैसे बैक सीट्स की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर पीछे अच्छा खासा स्पेस है पीछे यहाँ पे, और मन्नू मेरे को 2-3 बार बोल चुका है शुरुआत से कि स्पेस के मामले में वैगनर से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। पीछे जो आपको इसमें हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि अगेन एडजस्टेबल नहीं मिलते, और मिडल में जो इसका हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बैक सीट्स भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा हैं, अगर आप इसमें आराम से 4 जन ईजिली बैठ सकते हैं हमारे जैसे, है ना। ठीक है, कोई नहीं, फट्टा रहने। तो भाई ये इसकी डिग्गी, भाई काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, रहने वाली CNG प्लस पेट्रोल में। स्टेपनी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके यहीं पर लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो बाहर की अगर बात करें, तो डोर वाइजर भी जो है भाई ने लगाया, पूरा क्रोम लाइनिंग लाइनिंग के साथ इसमें मिलता है। तो एक चीज़ मैं दिखाऊं, देखो सबसे ऊपर ये रूफ रेल्स आप देख पा रहे हैं, रूफ रेल्स ही बोलते हैं भाई से। हाँ जी भाई, रूफ रेल्स बोलते हैं। तो ये पुरानी वाली वैगनर में आपको लगा हुआ मिलता था, लेकिन इस वाली वैगनर में जो आपको ये रूफ रेल्स नहीं मिलता। तो भाई का कहना है कि ये रूफ रेल जो इसने इसी वजह से लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा एक लग्जरी कार का फील देती है भाई को, और SUV की फीलिंग आती है ना। चलो, और डोर वाइजर देख रहे साइड में, क्रोम लाइनिंग के साथ आपको डोर वाइजर मिल जाएगा, ये भी जो है आफ्टर मार्केट लगाया। अगर डोर्स की बात करें, डोर प्रोटेक्टर्स भी आपको मिल जाए, डोर प्रोटेक्टर्स जो आपको 4 डोर्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर साइड में जो है पूरा ये भाई ने कुछ लगवाया, मेरे को उसका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन जो कि है गाड़ी की लुक को और ज़्यादा एनहेंस करता है, वैगनर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। भाई इसकी जरा प्राइसिंग बताओ। भाई इसकी प्राइस पड़ी है ऑन रोड 6 लाख, है ना, 6 लाख BS6। और यहीं पर जो मैं आपकी अगर व्हील कवर की बात करूं, तो व्हील कवर भी कंपनी वालों ने बोला है कि देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिया। कितने महीने का गाड़ी लिए हुए? कार को लिए 1 मंथ हो गया, और अभी तक जो व्हील कवर नहीं बने, यही कह रहे हैं कि नहीं बने? अभी तक बन चुके, पर वो आए नहीं है शोरूम पे। अच्छा, कंपनी वालों ने अभी तक जो है व्हील कवर नहीं दिया, लेकिन उसके लिए चक्कर लगाना पड़ेगा तभी मिलेगा, है ना। तो अगेन जो मैं एक बार आपको पीछे से पूरा लुक दिखाऊं, इसका पीछे की बात करें, तो जो आपको इसमें नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, इस मॉडल में आते हैं रिफ्लेक्टर्स, है ना भाई? हाँ भाई, इसमें मतलब BS6 में आ रहे हैं, और सेंसर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए कि नॉर्मल की आती है, इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता आपको, तो सेंटर लॉकिंग आप लगवा सकते हो भाई, इतना सब कुछ लगवा दिया, सेंटर लॉक भी बनवाई लेते हैं। हाँ जी, सेंटर लॉक भाई बनवाएंगे इसका भी, है ना। ठीक है, तो अभी एक वो चीज़ भी करवाना रहेगा गाड़ी में।